अरे तो उन्होंने अरदासा कर रहे साढ़े होर सूरमे बंदी सिंह बना के तो डिब्रूगढ़ दिया जेलों में भेज दते कि पंजाब दिया जेलों में थान नहीं है कि पंजाब दिया जेलों में कि खतरा है कि दूर साढ़े पुतों साढ़े वीर साढ़े उन्होंने सूरमिया क्यों भेजा गया कदे काले पानी की सज़ा मिलती सी अज काला पानी वह डिब्रूगढ़ बना दिता इन्होंने भाई अमृतपाल सिंह जी उन्होंने नाल के साथियों ने खाना पीना पानी भी छड़िया होया है कुछ नहीं खाते पीते तुसी भी इसे कई दिनों तो बैठे दे भाई अमृतपाल सिंह दे परिवार माता पिता जिहड़े नाल बंदी सिंह ने उन्हां दे भैण भरा उन्हां दा परिवार कई दिनों तो भुख हड़ताल ते बैठा होया है। भुख एक इहो जिही चीज़ है जिन्ना मर्जी राज नूं रज के रोटी खा के बंदा सौंदा ते सवेरे फिर लग जांदी है। कारां जिहड़ियां ने इह कुर्सी दे यार ने इह चट्टे वट्टे विच्चों इक्को ही ने इह सानूं लगदा है कि शायद आह चेहरा लैण दा ते साडा कुछ भला हो जाएगा भला नहीं। सन्मानयोग प्यारे गुरु खालसा जी गज वज के फतेह बुलायो जे फतेह ढिली ना बुलायो। सारी संगत हाथ जोड़ के निम्रता विच आण के प्यार विच भिज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुता विस्तार विच ना जावां क्योंकि जिस कार्ज वच आपां सारे इकट्ठे होए हैं सारे नूं पता है अन्नी ते बोली सरकार दे कन्ना तक अपनी आवाज़ पहुँचाउण वास्ते आपां कई दिनां तो संघर्ष लड़ रहे हैं। अज तो नहीं मुढ़ कदीमा तो होंदा आ इह सिखां दे नाल खास करके पंजाबियां दे नाल दिल्ली दी बनी नहीं ना ही शायद बनेगी क्योंकि जिहड़ा भी सेंटर विच आया जिहड़ी भी सरकार सेंटर विच आई उन्हें सिखां नूं अजमाया पर सिख एक कौम उह जी कौम है जिहदे कौम दे सिर ते कलगीधर पातशाह महाराज दा मेहरां भरिया हथ है। ये ना कदे डोली है ते ना शायद डोलूगी आउण वाले समें विच वी। भाई साहब भाई अमृतपाल सिंह जी उन्हां दे नाल दे साथी डिब्रूगढ़ आशाम दी धरती ते जेल विच ने जिहड़ियां सजावां झूठियां सजावां सी सजावां बणदियां ते नहीं सी ये सजावां झूठियां ला के ते बहुत वड्डा कहर इन्हां ने कीता ते जुल्म करदिआं होइआं उन्हां नूं डिब्रूगढ़ भेज दिता। चलो सजावां होइआं सजावां पूरियां वी कर लईआं पर छड्डण दा हक तां बणदा है ना छड्डण दा हक बणदा है। ठीक है पहली गल तो गुनाह असी कोई किया नहीं उन्हां दी नज़र विच जे कोई किया है उन्होंने सज़ा दी असी हस के उस सज़ा नूं प्रवान किया हस के असी तरले नहीं कढ़े ना पहलों कढ़े है तो ना हुण कढ़ने तो ना ही गांह कढ़ांगे। असी अपना हक मंगदे हैं तो अपना हक मंगण दा सारिआं नूं राइट है सारिआं कोल हक है कि अपने पंथ की गल करे अपने कौम की गल करे अपने धर्म की गल करे ये सारे को राइट है सारे को हक है। किसी के उत्ते भी जुल्म होंदा है तो वो सरकारां दे खिलाफ आवाज़ उठाउंदियां ने साडी सरकारां नाल कोई दुश्मनी नहीं किसी बंदे नाल दुश्मनी नहीं किसी धर्म दे नाल दुश्मनी नहीं। सानू तां कलगीधर पातशाह महाराज ने सिखाया यह है कि जदों भी लड़ना है तो जुल्म दे खिलाफ लड़ना है जुल्म के खिलाफ साढ़े किसी बंदे नाल लड़ाई नहीं किसी राजे महाराजे नाल लड़ाई नहीं उन्होंने कानूनों नाल लड़ाई है जिहड़े गलत कानून साढ़े उत्ते थोपे जाते हैं। गुरु की साध संगत एक पंजाबी का विद्वान है उन्हें चार अक्षर बड़े सुआदले लिखे वह कहिंदा कादा किसे ते गिला गमान कादा और राजी अपनी जदों सरकार ही नहीं फिर गिला कादा किस किस ते कित्ते शिकवा करिए असी वोटा पा के आप बनाए कि साढ़े हक की गल कोई करेगा पर सच जाने जे जिन्ना चर कुर्सी हाथ नहीं आती कुर्सी एक एहो जी चीज़ है जिहदे हाथ आ जाती है वह कहिंदा पे मेरी हुण जो मैं करांगा जो मैं कहांगा वह होवेगा तो हुंदा भी इस तरह ही कादा किसे ते गिला गमान कादा और राजी अपनी जदों सरकार ही नहीं कि ये माण सानू की लिहाज उसनु जिन्ना दिलां विच जदों प्यार ही नहीं साढ़े वत ते प्यार ही खत्म हो गया सानू तां वख वख नावां दे नाल जाणिया जांदा वख वख नावां दे नाल अज तो नहीं
बड़े चिर तों उस धरों फिर कादी कोई आस रखे जिथे सुनी दी कूक पकार ही नहीं अपना हक मंगदियां दी ताइयों खल रथे क्योंकि अपने मुके गदार ही नहीं। शायद गदार ना होंदे मैं हुण श्री अकाल तख्त साहब दी पावन स्टेज उत्ते भी हाजरी भर के आए। अज अमावस दा दिन सी, तकरीबन 33-34 मिनट होने मैं उत्थे ला के आया है ढाडी जथे समेत, उत्थे भी मैं गल करके आया। उत्थे गल होई, मैनूं हुक्म लाया गया जिहड़ी जिहड़ी यादगार बनी है 20वीं सदी दे महान जरनैल संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी, अमरीक सिंह जी, शबेग सिंह जी, ठारा सिंह जी, बेअंत शहीदां दीआं जिहड़ियां यादगारां ने जिन्हां दीआं फोटो लाईआं गईआं ते उस यादगार नूं ओपन कीता गया है, उहदे वास्ते भी थोड़ा जिहा टाइम बोलण नूं मिलिआ। नाल दी नाल बंदी सिंघां दी रिहाई दी अरदास भी करके आए हैं, उत्थे बोल के भी आए हैं कि जिहदे कोल समां होवे भावें थोड़े तों थोड़ा समां, ये नहीं कि अपने कामकार भी कुछ करने ने ते इत्थे हाजरियां भी भरनियां ने। दास अगे भी एक दिन हाजरी भर के गया है, भावें 5-7 मिंट 10 मिंट अद्धा घंटा ला के गए, इत्थे 10 मिंट बैठ के गए हैं, अज फिर समां बनिया ते तुहाडे दर्शन दारे कीते ने। गुरु की सात संगत भाई साहब भाई जगतार सिंह जी हवारा, उन्हां दे नाल बंदी सिंह, अजे ते उन्हां दीआं अरदासां कर रहे सां। साढ़े होर सूरमे बंदी सिंह बना के ते डिब्रूगढ़ दीआं जेलां विच भेज दित्ते। की पंजाब दीआं जेलां विच थां नहीं हैगा? की पंजाब दीआं जेलां विच किहड़ा खतरा है? गुरु की सात संगत, जेल तां जेल है, जेल तां जेल है, वह भावें पंजाब की होवे जां डिब्रूगढ़ की होवे, एड्डी दूर साढ़े पुत्तां नूं साढ़े वीरां नूं साढ़े उन्हां सूरमियां नूं क्यों भेजिया गया? कदे काले पानी की सज़ा मिलती सी, अज काला पानी वह डिब्रूगढ़ बना दिता इन्होंने, काले पानी दीआं सज़ावां दे के। इस जुल्म के खिलाफ कई दिन तो जिथे भाई अमृतपाल सिंह जी उन्हां दे नाल दे साथियों ने, तुहानूं सारयां नूं पता है कि भुख हड़ताल कई दिन तो खाणा पीणा पानी भी छड्डिया होया है, कुछ नहीं खांदे पींदे, केवल तो केवल ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਰਾਤੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਖੜੀ। ਭੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਚਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 4 ਅੱਖਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਗੂੜਾ, ਪੂਜੀ ਮੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨੀਵੀਂ, ਪਰ ਟੌਰ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰਖਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਬੜੀ ਹੀ ਭਾਅ ਭੂਰਤ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੀ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੂ, ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੂ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ
ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅੰਦਰ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧ, ਉਹ ਰੇਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ, ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਸੱਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੇਕਸੂਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਆਸ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 35-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਇਹ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਯੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਪਿਓ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਸੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਾਨਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਲਾਈਆਂ ਅਰਸ਼ ਉਡਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ,
लड़े खालसा अजीत जिधार बन के इनू शहीद शमेश ने साड्या है चढ़े खालसा खंडे की धार बन के चढ़े खालसा सत श्री अकाल चढ़े खालसा खंडे की धार बन के सिखां दी अजमत नू ना ज्यादा अजमाया जाए इनू ठंडा ही रहन दो ते चंगी गल है। इस मंच तो यह दूर दराडे तक वताड़ी आवाज आ रही है, दूर दराडे देशों विदेशों की धरती उत्तों भी आवाज आ रही है। असी सरकार नू कहना चाहते हैं कि ताड़ियां सजावां सिर मत्थे ते प्रवान अगे मैं कह चुका है कि प्रवान कीतियां ने हुण सजावां खत्म हो चुकियां ने, पहली गलत नू रिहा कर दिओ, हुण कसूर कोई नहीं, कसूर कोई नहीं। गुरु की साध संगत जदों मैं फोटो देखदा ना सारे सिंघां दीआं दिल नू हौल जिहा पैंदा है। नौजवान पुत, नौजवान पुत, चढ़दी कला वाला पुत, भरा, पति, किसी भैन का पति भी है। गुरु की साध संगत दिल नू हौल जे नहीं पैंदे दूर दराडे तक, जदों इन्ना इन्ना चिर घर तों दूर रहन, बच्चा तां एक दो मिनट ना घर आवे ते मापिआं नू हौल जे पैंदे ने। सो जिथों तक आवाज़ आती है सारिआं नू बेनती है कि जरूर इस मोर्चे अंदर हाजरी भरिया करो ते मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ देना चाहिए, साडा फर्ज बनता है। असी भी सिख हाँ ते साडे बंदी सिंघ इन्हां नू रिहा करवाउण वास्ते जिन्ना भी जोर लाया जाता है उन्ना आपां सारे रल मिल के मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के उस परिवार नाल खड़ीए, उस भैणां दे नाल खड़ीए, वीरां दे नाल खड़ीए जिहड़े बंदी सिंघ ने, उन्हां दी रिहाई वास्ते जल्दी तो जल्दी सरकारां एक कदम उठाउण। पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, मैं सारे लीडर साहिबानां नूं बेनती करनी चाहुंदा इस मंच तों कि इन्हां नूं जल्दी तो जल्दी रिहा कर दिओ, जिहड़े पहले भी बंदी सिंघ ने ते हुण वाले भी। सारिआं दी रिहाई वास्ते मंग है, गुरु कृपा करे, अरदास करांगे गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज कृपा करन ये जल्दी तो जल्दी रिहा होकर अपने घर विच आउण, अपने परिवार विच बैठ करके अपने रहिंदी होई जिंदगी नूं। सच जाणिओ मैं फगवाड़े तों आया है, जदों खालसा विहीर चली ते फगवाड़े सुखचैनना साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज का पावन स्थान है, जदों चौथी जंग आ करतारपुर साहब की जित के ना शानदार जित प्राप्त करके जिहड़ी पहिंदे खनल होई, जदों फिर अगे ये गए करता कीरतपुर साहब नूं ते गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज एक रात सुखचैनना साहब फगवाड़े की धरती ते रहे। आप जी ने शायद दर्शनदारी की, जिहड़ा बाईपास बनिया होया चंडीगढ़ बाईपास, बाईपास के बिल्कुल नज़दीक एक गुरद्वारा साहब है, उत्थे जा के खालसा विहीर रुकी सी। सच्चाई है भाई अमृतपाल सिंह वारस पंजाब की जथेबंदी जड़ी इन्होंने कार्य गलत नहीं किया, लोगों ने गलत बना दिता है, सरकारां ने बना दिता है, जिहड़े काम सरकारां ने करने सी वो काम भाई अमृतपाल सिंह कर रहा सी। सच जाणियो मेरे एक पिंड का नौजवान, अरे थोड़ा चिर होया सी विआह होए नूं ते नशे विच इन्ना गणूंद हो गया, इन्ना नशा करन लगा भी अपने आप की सुध ना रही। सच जाणियो एक दिन मेरे बड़े बेटे नूं मिलिया, मैनूं कहिंदा बेटा मेरा, कहिंदा डैडी जी आ फलाना सिंह ने कहिंदा भी अमृत छक लिया। मैं कहा भाई लगता तो नहीं सी अमृत छक लिया होवे, उन्हें इन्ना नशा करता होवे, 24 घंटे का नशेड़ी हो तो होर कोई खाता नहीं नशे तो बगैर। सच जाणियो एक दिन मैनू भी मिलिया तो एडा दाड़ा। मैं उन्होंने पूछया, मैं क्या भी यह जीवन कदा बदलिया, कहिंदा बाबा जी भाई अमृतपाल सिंह की स्पीच सुन के जो सुखचैनना साहब आए इतने दर्शन करके उन्होंने, ये मेरे पिंड की गल है जी। नौजवान अज सारा परिवार जेड़ा ना वो भी सुखी ते परिवार भी सुखी ते आप भी सुखी, एडा एडा लंबा दाड़ा हो गया जी। हुण ये खालसा विहीर ने काम तो चंगे करने शुरू कर दिते, पर जिहड़ी भैड़ी सोच वाले कुछ लोग है ना, भैड़ी सोच वाले, उन्हां नूं ये चंगे काम नहीं लगते चंगे। जिहड़ा गंद विच रहना सिख्या होवे उहनूं जिन्ने मर्जी अत्र फलेर ला लो, गधे का काम है लेटना, उन्हें सुभाव जिन्ना मर्जी उन्हूं नहा धुला के उन्हूं अत्र फलेलां ला के पाउडर ला के छड़ दिओ ना, छड़ दिओ ते जाके फिर सुभाव विच ही लेटदा है, उन्हां नूं चंगे काम नहीं लगते। गुरु की साध संगत जिंदगियां बदल के रख दित्तियां थोड़े समय के अंदर भाई अमृतपाल सिंह ने, जिंदगियां ही बदल के रख दित्तियां लोगों दीआं। अज भी वो परिवार घर बैठे भी अरदासां बेनतियां करदे ने कि भाई अमृतपाल सिंह फिर आवे ते फिर आण के साडे जिहड़े नौजवान नशां विच गणूंद हो गए ने, ये भी सरकारां दीआं ही चालां जी
किसी का चित थोड़ी करता नशा कर। मैं आस्ट्रेलिया की धरती से जाके आया, मैं न्यूजीलैंड की धरती से जाके आया, मैं इंग्लैंड की धरती से जाके आया, तो आस्ट्रेलिया वेख्या है उतों के वसंदे लोग जोड़े सन ना, वसंदे लोग जोड़े उस देश के दे लोग ने, सरकार ने पता की किया, सरकार जड़िया अंग्रेज जड़े सन गोरे राज करना जिन्हें सारे वर्ल्ड से राज किया गोरिया ने, उन्होंने उन्होंने एक तो फ्री सारा कुछ देना शुरू करता, फ्री तुसी काम धंधा नहीं कोई करना, नशे भी फ्री दे जाते हैं, वो सड़कों पर रुड़ रहे जोड़े वसंदे ने, तो जोड़े बाहरों आए लोग सन वो राज कर रहे हैं, तो साढ़े तो भी यो वरत्या जा रहा है। सब जाने आ यूपी की धरती पर मेरी थोड़ी जमीन है, असं उत्थे आते जाते रहने, उत्थे नशा तो हैगा है पर इन्ना नहीं, ये सरकारां दा जोर लगा पिया है, इन्हां नूं कमले बोले जे कर दिओ, इन्हां नूं पढ़ाई तो इन्हां नूं अनपढ़ जे कर दिओ, साढ़े सामने सवाल ना चुकणगे, कोई नौकरी नहीं मंगणगे, साढ़े को रोज़गार नहीं मंगणगे, असीं कह देंगे तुसीं पढ़े ही नहीं, जो पढ़े ही नहीं फिर नौकरी कादी करी जाओ, इत्थे ढोई जाओ टोकरियां करी जाओ लेबर। गुरु की साध संगत, मैं उन्होंने नौजवानों भी हाथ जोड़ के बेनती करांगा, नशे में कुछ नहीं रखिया, जे नशा करना है तो गुरबाणी का करया करो, अमृत वेले उठ के पंज बाणिया का जाप करया करो, जप जी साहब जाप साहब ता प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध वाले, तो चौपाई साहब आनंद साहब का संपूर्ण पाठ करके भावें सारी दिहाड़ी बाणी पढ़ी जाओ, उस तो बाद जिन्नी मर्जी बाणी पढ़ लो, नशा लेना है तो बाणी का नाम का लीए, इन्हों नशा कुछ नहीं पिया। गुरु की साध संगत ते गुरबाणी दे अखरत नहीं पर मैं तुहाडे नाल सांझे करदिआं, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जिन्हां नूं नाम दी खमारी चढ़ गई ना वह फिर दिन रात वाहिगुरु सिमन करदे ने। सच जाणो भाई अमृतपाल सिंह होणा नूं नाल दे सारे साथियों नूं बंदी सिंघां नूं, गुरु की साध संगत नाम बाणी का ही आसरा है, नाम बाणी का आसरा नहीं तो भुख तो एक दिन डुला दिंदी है। गुरु की साध संगत आओ उन्हां वास्ते अरदास करदिआं होइआं जल्दी तो जल्दी जी अन्नी ते बोली हुई सरकार है वो उन्हां नूं रिहा करे, जे रिहाई नहीं करनी तो पंजाब दियां जेलां विच लैओ, असीं मिलण जोगे तो हो जाईए उन्हां नाल मुलाकात तां करिए, अपने वीरां नूं देखिए तां सही किद्दां दे ने। गुरु की साध संगत आ उन्हां वास्ते अरदास करदिआं होइआं सारी संगत गज के आखो, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।